विदेशी जमीन से बीजेपी आरएसएस और केंद्र सरकार पर हमलावर राहुल गांधी ने अब सिख दंगों में कांग्रेस का हाथ होने से इनकार कर दिया है। सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने इसे दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कना बताया है और राहुल गांधी से माफी की मांग की गई है। ১৯৮৪ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिखों के नरसंहार को लेकर सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक माफी मांग चुके हैं, लेकिन लंदन में राहुल गांधी ने सिख दंगे में कांग्रेस का हाथ होने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने 1984 से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, मेरे मन में उसके बारे में कोई भ्रम नहीं है। ये एक त्रासदी थी, ये एक दुखद अनुभव था। आप कहते हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल थी, मैं इससे सहमति नहीं रखता। निश्चित तौर पर हिंसा हुई थी, निश्चित तौर पर वो त्रासदी थी। राहुल गांधी के बयान पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने कड़ा एतराज जाहिर किया है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। जो कत्लेआम किया गया, किने किया, सज्जन कुमार टाइटलर थे, एचकेएल भगत थे, सारी कांग्रेस की लीडरशिप दाऊगा, तो जिहड़ा बयान दिता गया राहुल गांधी ने सही मायने ते सिख कौम दे जख्मां ते इन्हें नमक छिड़किया। यह बहुत ही निराशाजनक, दुख का विषय, चिंता का विषय। Happened in 1984 was a terrible thing. You can't hold Mr. Rahul Gandhi responsible for that. He was on that day, I think, about 13 or 14 years of age. अब खबर समझिए कि आखिर सिख दंगों का दाग धोने को इतने उतावले क्यों हैं राहुल गांधी? तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार कांग्रेस पार्टी पर एक ऐसा धब्बा है जो पार्टी आलाकमान को बेचैन करता रहता है। कांग्रेस जब भी बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है, बीजेपी उसे 1984 की याद दिलाकर खामोश कर देती है। हाल ही में जब राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी पर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया, तो राजनाथ सिंह ने 1984 को सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग बताया और राहुल गांधी को डर है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस पर हमले का हथियार बना सकती है। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे कांग्रेसी नेता सिख दंगों के आरोपी हैं और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं।